दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे मजबूत टीम मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से जरूर लाइक करें। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक्स का है, इसलिए वीडियो को एक लाइक तो ध्यान से ही कर दें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद T20 सीरीज शुरू होनी है। इस सीरीज में कुल 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पर आपको बता दें पहला T20 मुकाबला 12 मार्च को खेला जाएगा और वहीं दूसरा मुकाबला 14 मार्च को खेला जाएगा, तीसरा T20 16 मार्च, चौथा T20 18 और पांचवा T20 20 मार्च को खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें ये सभी के सभी मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे और ये सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे। अगर आप टीवी में ये मुकाबले देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स में आसानी से देख सकते हैं और वहीं अगर आप मोबाइल फ़ोन में ये मुकाबले लाइव देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर ये मैचेस सभी लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहां पर एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हो सकता है कि BCCI इस बार दर्शकों की एंट्री भी यहां पर कर दे, क्योंकि लॉकडाउन के समय से ही क्रिकेट फैंस स्टेडियम से गायब हैं। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आगामी घरेलू सीरीज के लिए दर्शकों को अनुमति दे सकती है। BCCI ये विचार कर रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दे दी जाए। सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी ऐसी खबर भी निकल कर आ रही है कि BCCI मात्र 50% क्षमता के साथ दर्शकों की एंट्री को मंजूरी दे सकता है, लेकिन अभी पूरी खबर जल्द ही आएगी और एक फाइनल डिसीजन क्या होगा वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 सीरीज़ में इंग्लैंड को हरा पाएगी या नहीं। जल्द से जल्द नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स की बात करें तो आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच इतिहास में अब तक कुल 33 टेस्ट सीरीज़ खेली गई हैं, जिसमें से इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन सीरीज़ों में इंग्लैंड को 19 तो वहीं भारत को सिर्फ 10 में जीत हासिल हुई है और वहीं 4 टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ भी हुई हैं। अब दोस्तों बात करें इस दौरान हुए कुल मैचों की, तो दोनों टीमों के बीच कुल 122 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड की टीम को 47 में जीत मिली है और वहीं भारत ने मात्र 26 मैचों में सफलता पाई है। इसके अलावा 49 मैच ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमों के बीच साल 2018 में आखिरी बार कोई टेस्ट सीरीज़ खेली गई थी। 5 मैचों की इस सीरीज़ में मेज़बान इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 4-1 से बुरी तरह पटकनी दी थी। इसमें दोस्तों यहाँ से देखकर तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम पर हमेशा से ही भारी पड़ती हुई आई है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास बदला था, उसी तरह से इस बार भी भारतीय टीम पूरा का पूरा इतिहास पलट सकती है और इंग्लैंड को हरा सकती है। इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम इंग्लैंड को हरा पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।